दोस्तों आज T20 वर्ल्ड कप का 35वां मैच खेला जा चुका है और दोस्तों ये मैच वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच खेला गया था, जहां इस मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और वहीं जब दोस्तों आज के मैच में श्रीलंका की टीम पारी की शुरुआत करने उतरी तो उनकी शुरुआत काफी बेहतरीन रही थी, जहां दोस्तों श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाजों ने 42 रनों की पार्टनरशिप करी थी और श्रीलंका को पहला झटका छठे ओवर में आंद्रे रसल ने देते हुए कुशल परेरा को आउट कर दिया था और परेरा 29 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद पदुम निसंका और चरित असलंका के बीच इसके बाद हमें ताबड़तोड़ पार्टनरशिप देखने को मिली। दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंका के लिए जमकर रन बनाए और दोस्तों यही वजह थी कि इन दोनों ही बल्लेबाजों ने श्रीलंका का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया था। लेकिन 133 रन के स्कोर पर डीजे ब्रावो ने पदुम निसंका को आउट कर दिया था और दोस्तों निसंका 51 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ खड़े चरित असलंका काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वो भी 19वें ओवर में 68 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए थे, जहां दोस्तों श्रीलंका की टीम ने 20 ओवर खेलने के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए थे। जहां श्रीलंका के कप्तान धासुन संका 25 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, तो वहीं वेस्टइंडीज की तरफ से आंद्रे रसल ने 2 विकेट झटके, तो वहीं डीजे ब्रावो को 1 विकेट हाथ लगा था। और वहीं दोस्तों अब इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम को ये मैच जीतने के लिए 190 रन बनाने थे। वहीं जब इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही थी, क्योंकि 10 रन के स्कोर के अंदर ही वरिंदा फर्नांडो ने वेस्टइंडीज के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया था। वहीं इसके बाद 47 रन के स्कोर पर चमिका करुरत्ने ने रोस्टन चेस को भी आउट कर दिया था। हालांकि दोस्तों इसके बाद निकोलस पूरन ने काफी तगड़ी बैटिंग करी, लेकिन दोस्तों वो भी दुश्मनाथ चमीरा की गेंद पर 46 रन बनाकर आउट हो गए थे। वहीं दोस्तों 94 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। लेकिन दोस्तों एक तरफ सिमरन हिडमायर काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, और दोस्तों सिमरन हिडमायर ही मात्र एक ऐसे बल्लेबाज थे जो 81 रनों की शानदार पारी खेलकर नॉट आउट रहे थे। हालांकि दोस्तों ये मैच वेस्टइंडीज की टीम 20 रनों से हार गई और दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम ने 20 ओवर खेलने के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए थे। और दोस्तों श्रीलंका की टीम ये मैच 20 रनों के अंतर से जीती है, जहां दोस्तों श्रीलंका की तरफ से वरिंदा फर्नांडो, चमिका करुरत्ने और वनेंदु हसरंगा को 2-2 विकेट हाथ लगी थी, तो वहीं दुश्मनाथ चमीरा और धासुन संका ने 1-1 विकेट झटका था। और इसी के साथ अब श्रीलंका की टीम ये मैच जीत चुकी है।